तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार आज के एक और नई वीडियो के साथ वापिस। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीजीएमआई टेस्ट लेके आ गया भाई, रियलमी 11 प्रो प्लस का। इससे पहले भाई जो मैंने आपको वीडियो दिया था ना, वो दिया था इसका, रियलमी के 11 प्रो का। अब इस वाले के अंदर ना मेरे को ये वाला डिजाइन मिला नहीं भाई, गुची वाला। तो ब्लैक कलर के अंदर अपना ये वाला स्मार्टफोन है और मैट फिनिश के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है भाई। बाकी यार ये वाले जो दोनों स्मार्टफोन है ना, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिमिलर से हमको देखने को मिलते हैं। अब इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी आपको वही वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, डायमेंसिटी का 7050 वाला। चेकआउट करेंगे इसके अंदर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे देखने को मिलेगी। मेरे को लगता है कि काफी हद तक सिमिलर परफॉर्मेंस रहने वाली है दोनों स्मार्टफोनों की, बट चेकआउट कर लेंगे भाई। हो सकता है कि प्रो प्लस के अंदर थोड़ा और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके दिया हो। बाकी सारी चीजें चेकआउट करेंगे। और जो मेनली दोनों स्मार्टफोन के अंदर डिफरेंस है ना, वो कैमरा के अंदर आपको देखने को मिलता है। प्रो के अंदर है 100 मेगापिक्सल का कैमरा और प्रो प्लस के अंदर है 200 मेगापिक्सल कैमरा। और जो फास्ट चार्जिंग वगैरह ना, वो इसके अंदर हमको देखने को मिलती है 100 वॉट की, उसके अंदर 67 वॉट की है। तो थोड़े बहुत चेंजेस इस वाले स्मार्टफोन के अंदर है, लेकिन प्राइस के अंदर भाई काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये वाला हमको 24,000 रुपीज का मिलता है, वो भी मैं आपको फुल प्राइस बता रहा हूँ इसका विदाउट एनी डिस्काउंट। और ये वाला जो स्मार्टफोन है 28,000 रुपये का मिलता है, मतलब 4,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वही आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको प्रो प्लस लेना चाहिए या फिर 4,000 रुपये कम में आपका प्रो के साथ भी काम हो जाने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला, पसंद आएगा जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देना। जल्दी जल्दी ना चैनल के ऊपर 4 लाख सब्सक्राइबर करवा दो भाई। अभी बिल्कुल भी टाइम हम बर्बाद नहीं करते, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो भी सारे स्पेक्स आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी दिख जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो भाई। इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना भाई, वो हमको डायमेंसिटी का 7050 देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा बेकार प्रोसेसर है। और भाई जो डिस्प्ले है वो 128 कैमरा डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको। इस वाले स्मार्टफोन के साथ ना एक चीज अच्छी है कि आपको बेस में 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी जैसे कि सेम प्रो में, और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है वाला स्मार्टफोन। बाकी इसका जो प्राइस है वो है 28,000 रुपीज। ये तो हो गई भाई सारी स्पेक्स की बात। अभी फिलहाल एक चीज दिखा देता हूँ कि जो स्मार्टफोन है उसको मैंने 100% चार्ज करा हुआ है, और अपने डैश के अंदर जो इसका ब्राइटनेस परसेंट है वो भी हम मैक्स पर रख के देखने वाले हैं। 1 घंटे गेमिंग करेंगे अप्रॉक्स, और देखेंगे उसके बाद जो बैटरी ड्रॉप है वो कितना हमको देखने को मिल रहा है, और हीटिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे भाई। सबसे पहले भाई ग्राफिक्स सेटिंग्स बताऊं तो प्रोसेसर सेम है, तो ग्राफिक्स सेटिंग्स भी सेम हमको देखने को मिलने वाली है। प्रो ऐसी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम है, बैलेंस पे अल्ट्रा हो जाता है, एचडी अल्ट्रा और एचडी आर प्लस अल्ट्रा है भाई। कहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर बंदे 90 FPS पे गेमिंग करते हैं, और यहाँ बैलेंस पे अल्ट्रा पे कौन खेलेगा भाई। तो अभी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे रखेंगे स्टार्टिंग के मैच हम। बाकी भाई आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी के बारे में भी डीप में जानना है बैटरी से रिलेटेड, तो बैटरी ड्रेन टेस्ट आने वाला भाई गीक अभिषेक यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने भाई के चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, जैसे बैटरी ड्रेन टेस्ट आएगा वहां पे जाके आप डीप में चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला मैच इसके अंदर करके देखते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स पे, और टीडीएम से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। जायरोस्कोप सेंसर की बात करें तो देखो एकदम एज इट इज सिमिलर मेरे को रियलमी प्रो की तरह ही लग रहा है, 11 प्रो की तरह। FPS मीटर वगैरह मैंने यहाँ पे लगा लिया, ऊपर की तरफ आपको शो करेंगे। अरे वाह वाह, तो एक मैच कंप्लीट करके आ गए हैं इसके अंदर, और कोई भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह पहले टीडीएम के मैच के अंदर हमको देखने को नहीं मिला। मस्त 60 FPS में मेंटेन करके गेमिंग परफॉर्मेंस दी है इसने, और जायरोस्कोप सेंसर वगैरह भी ऑल एक्टिव है, कोई भी डिले नहीं है। और एकदम सिमिलर ना रियलमी 11 प्रो की तरह ही जायरोस्कोप सेंसर और परफॉर्मेंस मेरे को लग रही है अभी पहले टीडीएम के मैच के हिसाब से। बाकी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, रैंगल का मैच स्टार्ट करके देख रहे हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग्स पे रख के सेम। जंप करते में भाई FPS अपन चेकआउट करते हैं, 47 FPS का ड्रॉप हुआ, फिर वापस से 55-60 के करीब पहुंच गया है स्मार्टफोन, लेकिन जम करते में ड्रॉप तो था भाई थोड़ा बहुत। भाई सही में क्या ही चल रही है गेम, 39 FPS मिल रहे हैं, बताओ भाई 47 FPS 42 FPS पे स्टक होके दे रहा है। जीने नहीं दूंगा, awesome.
अरे भैंस की आंख। तो भाई एक रैंगल का मैच भी अपन कंप्लीट करके आ गए हैं इसके अंदर, और यहाँ पे ना हमको जंप करते हुए भी इजीली ड्रॉप नोटिस हुए हैं 45 FPS तक के, और नीचे जब हमने फाइट ली ना तो भाई 30 FPS 32 FPS बहुत इजी यहाँ पे ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिलता था रैंगल के मैच के अंदर। अब प्रो के मुकाबले में ना इसकी परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया होने की बजाय और बेकार ही लगी है भाई, ड्रॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा ईजिली देखने को मिल रहे हैं। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट मैच अपना स्टार्ट करके देखने वाले हैं ना, वो इसका प्रो गेमर मोड ऑन करके देखते हैं, क्योंकि भाई बंदे बोलते हैं प्रो गेमर मोड ऑन करके खेलोगे तो परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया हो जाती है, तो वो भी भाई मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ। और इस बार क्या कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी हम चालू रख रहे हैं, सेटिंग्स अभी भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली रख रहे हैं, और देखते हैं अभी कैसी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलने वाली है इस वाले स्मार्टफोन से। देखो भाई इसका ये है प्रो गेमर मोड, इसको कर लिया हमने ऑन, और साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी हम कर रहे हैं चालू। हम कूदेंगे पोचन की और अब जंप करते हैं। अरे भाई साहब 19 FPS तक आ गया, अब तो 19 27, अब तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, और अभी भी 60 FPS नहीं है, 38 48 ऐसे ही चल रहा है, अब हुआ 60। अबे कुछ तो दिए भाई, 22 FPS पे पेल गया रोंडा इसमें तो भाई, बहुत जल्दी ठिल गए। तो क्या कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी सब चालू ही रख रहे हैं, और हम ना TDM स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो भाई ये मैच भी हम कंप्लीट करके आ गए हैं, और इसके अंदर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी चालू रखी हुई थी। तो सबसे पहले इरेंगल में जब हमने जंप करी थी ना, उसके बाद जो ड्रॉप था वो तो इस बार भाई हमको 19 FPS 22 FPS तक का देखने को मिल गया, और नीचे जैसे फाइट ले रहे थे ना भाई, एक बंदा मारने में भी नहीं आ रहा था भाई, इतनी ज़्यादा तगड़े फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे इसके अंदर हमको देखने को मिल रहे थे 22 FPS वाले। बाकी उसके बाद ही मैंने तुरंत एक अरीना ट्रेनिंग का मैच चालू कर दिया था, उसके अंदर की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी हद तक ठीक भी थी, लेकिन भाई अगर आप इसको विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खेलोगे ना उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस, तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वर्क करना जो चाहते हैं ना प्लेयर, उनका तो काम खल्लास हो जाता है भाई। एक बार भाई चेकआउट कर लेते हैं टेम्परेचर कितना पहुंच गया अभी खेलने के बाद, 43.5 के अप्रॉक्स चल रहा है भाई फ्रंट से, और बैक से और देखते हैं, बैक से 39.4 चल रहा है, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना 32.8 है, और रूम के अंदर मैंने अभी AC भी चलाया हुआ है उसके बाद। बाकी भाई अपने टेस्ट को ना ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, 37 मिनट हमको कंप्लीट हो गए, तो यहीं पे स्टॉपवॉच को स्टॉप करके फेंक देते हैं कोने में। बैटरी की बात करें तो 93% बैटरी अभी भी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर बची हुई है भाई। अभी इसके अंदर ना सिर्फ 7% का ड्रॉप हमको देखने को मिला है, 34 मिनट की गेमिंग हमने करी है, अगर हम 1 घंटे गेमिंग करेंगे तो वही अप्रॉक्स 18 से 20% के आसपास वाले ड्रॉप हमको देखने को मिलेगा। तो जो बैटरी ना स्मार्टफोन की वो तो काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है, लेकिन भाई जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, और इस वाले स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है ना ये भी 43 डिग्री तक पहुंच गया भाई, अभी मैं AC वाले रूम के अंदर भी बैठा हूँ उसके बावजूद भी। तो जो स्मार्टफोन है ना वो थोड़ा बहुत हीट वगैरह हो गया भाई, अगर भाई इसके प्रो गेमर मोड के साथ आप इसके अंदर गेमिंग करते हैं ना तो थोड़ी सी जो बैटरी कंजप्शन है वो ज्यादा रहेगा, और थोड़ा सा फोन हीट भी हो सकता है भाई, लेकिन जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसके अंदर मेरे को बिल्कुल भी फर्क देखने को नहीं मिला, और बल्कि जो गेम था पहले इससे अच्छा चल रहा था, और उसके बाद जब मैंने प्रो गेमर मोड ऑन करा ना तो उसके बाद तो और ड्रॉप्स हमको देखने को मिल गए। तो भाई जो फाइनल कंक्लूजन होने वाला ना इस वाले स्मार्टफोन का कंक्लूजन होता है भाई, बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए फॉर गेमिंग या फिर नहीं लेना चाहिए, तो भाई जो फोन का प्राइस है ना 28,000 रुपीज, उसके अंदर भाई जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को देखने को मिली है वो इतने ज़्यादा ड्रॉप्स के साथ देखने को मिली है ना कि मैं आपके वाला स्मार्टफोन रेकमेंड नहीं करूंगा भाई। इसका जो छोटा भाई ना जो भाई जो इसका ये छोटा भाई ना रियलमी का 11 प्रो, इसके अंदर की जो गेमिंग परफॉर्मेंस इसके प्राइस के हिसाब से मैं एक बार को हजम भी कर लूंगा भाई। वैसे ये वाला स्मार्टफोन भी मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि भाई जो प्रोसेसर है वो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ड्रॉप्स वगैरह इसके अंदर भी हमको देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर तो भाई प्रो से भी ज़्यादा ड्रॉप्स हमको देखने को मिले हैं प्रो प्लस के अंदर, मतलब महंगा भी कर दो और उसके बाद परफॉर्मेंस भी बेकार दे दो। तो भाई ये वाला स्मार्टफोन मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेड नहीं रहने वाला है बिल्कुल भी, अगर आपका बजट इतना है ना भाई तो आप किसी अदर स्मार्टफोन में जा सकते हो, जैसे कि अभी 30,000 रुपीज के अंदर ना IQ Neo 7 काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑप्शन रहने वाला है, 90 FPS की गेमिंग वगैरह भी हो जाती थी, अभी वो हटा दिया VGA वालों ने, बट आ जाएगा भाई अपडेट वगैरह के थ्रू वापस से 90 FPS भी जल्दी।
बाकी उनके साथ जरूर से चले जाना। आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतने बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो गई होगी। भाई बैटरी टेस्ट के लिए दोबारा से बोल रहा हूँ, भाई इन दोनों का बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो, जाना चाहते हो डीप में कि कैसी बैटरी परफॉर्मेंस इन वाले स्मार्टफोनों की मिलती है, तो भाई बैटरी टेस्ट हमारे भाई बनाने वाले हैं जल्दी घी के अभिषेक भाई, ये रे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा भाई। और ये वाले फोन बाय करने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो चेक करना पता नहीं भूल। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देना, 4 लाख सब्सक्राइब करा दो फटाफट से। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।